नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन जो हमारे नेचुरल जोड़िया, इसका 8th हाउस है। स्कॉर्पियो साइन के अंदर कई चीज़ें हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो हमें प्रॉब्लम्स देता है जो कि बहुत मुश्किल सॉल्व होती हैं, सॉल्व होती ही नहीं है। क्रॉनिक डिजीज देता है, एक्सीडेंट देता है, ऑपरेशन देता है। इनहेरिटेंस भी जो है कि हमारा जो है कि 8th हाउस है। उसके अलावा जो है कि हमारा 8th हाउस जो स्कॉर्पियो साइन है वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन देता है लाइफ के अंदर। 360 डिग्री चेंज जो है कि वो भी जो स्कॉर्पियो से आता है। उसके अलावा जो हम बगैर मेहनत के पैसे कमाते हैं, इंश्योरेंस से, लॉटरी से, सट्टे से या बोनस, वो सब भी हमारे 8th हाउस से आता है। तो 8th हाउस के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मृत्यु भाव भी 8th हाउस है। हम मृत्यु की किस प्रकार से होगी वो भी 8th हाउस से देखते हैं। और जो है कि अट्रैक्शन, जो कि दूसरे जो इनसे अपोजिट साइन है 7th जो हाउस में, जो हमारी टॉरस राशि पड़ी होती है, उसको ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक अट्रैक्टिव पावर है। क्योंकि जो कि आपको इनहेरिटेंस मिलता है वो आपकी फैमिली का जो है कि जोड़ा हुआ पैसा होता है, जो कि उनके बाद वो आपके पास पहुंचता है इनहेरिटेंस के रूप में। तो वो एक अट्रैक्शन पावर जो है कि वो भी है स्कॉर्पियो साइन के अंदर। और स्कॉर्पियो साइन का जो है कि आज हम जो लेंगे तो उसमें दो चीज़ों को लेंगे। एक तो जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि जीवन को बिल्कुल ही बदल के रख देती है। जैसे कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि भाई वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ये कह सकते हैं टॉपर हैं, अपने स्कूल के टॉपर हैं या अपनी क्लास में टॉप आते हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने के अंदर। अचानक से ऐसा कुछ होता है कि वो बच्चा बहुत डल हो जाता है और वो जो है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर पास होता है। इसके विपरीत जो है कि आप ये भी देख सकते हैं कि अगर एक बच्चा बहुत वीक है पढ़ाई में और जो है कि कुछ नहीं कर पा रहा, बहुत मुश्किल से पास हो पा रहा, और अचानक से वो जो है कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाता है कि वो जो है टॉप कर जाता है, तो वो कब होता है कि जब स्कॉर्पियो साइन आपके जो है कि 5th हाउस के अंदर आता है। क्योंकि 5th हाउस हमारे स्टडीज़ को दिखाता है, हमारी बुद्धि को, बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी या डाउन जाती है। वहाँ पर अगर स्कॉर्पियो साइन आता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि हमारी पढ़ाई के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है। इस तरीके एक तो ये है कि हमारा स्कॉर्पियो साइन हमारे चार्ट के अंदर जहाँ पर भी होगा, जैसे अगर किसी के 11th हाउस के अंदर तो उसके सैलरी के अंदर अचानक से जो है कि बदलाव होगा। जैसे कि आप मान सकते हैं कोई अगर आपके 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी, अचानक से ऐसा हुआ कि उसकी सैलरी बढ़ा दी गई या उन्होंने जॉब चेंज किया, उसकी सैलरी जो है कि लाखों में पहुंच गई। या कहीं ऐसा भी होता है जो अगर स्कॉर्पियो साइन इन्फ्लेक्टेड है कि भाई वो जो है कि बहुत अच्छी सैलरी पे है और वहाँ से उसको निकाल दिया गया, उसके बाद में उसे बहुत कम सैलरी पे काम करना पड़ रहा है। कहीं 360 चेंजेस, या आप ये भी कह सकते हैं कोई इंसान ऐसा है जो बहुत बुरा व्यवहार करता है, हर किसी को पीटता है, हर किसी से झगड़ता है, पर अचानक से उसके जो है कि व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाता है और वो बहुत ही सात्विक तरीके से रहने लग जाता है, बहुत ही सीधा सज्जन व्यक्ति बन जाता है, तो वो भी जो है हमारा स्कॉर्पियो साइन है जो वो दर्शाता है। तो इस तरीके से जो है कि आपके चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो, अगर सेकंड हाउस है तो आपकी फैमिली के अंदर, फैमिली की वजह से जो है कि आपके फाइनेंस के अंदर जो कि बहुत बड़ा चेंज आ सकता है स्कॉर्पियो साइन अगर वहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि सेविंग आपकी कम हो और अचानक से बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो भी जो चेंजिंग है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इन फाइनेंस जो आएगा वो भी जो है स्कॉर्पियो साइन के अंदर आएगा। ये तो बात हुई कि स्कॉर्पियो साइन अगर आपके अलग अलग भाव में है, जैसे 4th हाउस में है तो मदर की वजह से आएगा, अगर वो जो 9th हाउस के अंदर स्कॉर्पियो है तो आपके गुरु की वजह से या आपके जो है कि फादर की वजह से जो है कि, या आपके हायर स्टडीज की वजह से जो है कि आपकी लाइफ के अंदर 360 चेंज होने वाला है, ये आप स्कॉर्पियो साइन से ले सकते हैं। अब आपकी दूसरी बात कि अगर स्कॉर्पियो साइन, तो हमने कहा इसके बाद हम कारक को लेते हैं कि अगर कोई कारक स्कॉर्पियो साइन के अंदर चला जाता है,
जैसे कि आप जानते हैं कि जो सन है वो हमारे जो है कि पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, तो गवर्नमेंट की वजह से या पिता की वजह से आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। वीनस है तो आपके जीवन साथी की वजह से आपके जो है कि मान लीजिए 10th हाउस वीनस है स्कॉर्पियो के अंदर, तो आपके जो है कि वर्क प्लेस पे आपकी वाइफ की वजह से या किसी लेडीज की वजह से जो है कि 360 चेंज आने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप इस तरीके से हाउस को भी जोड़ सकते हैं वहां पर, और वो प्लैनेट जो उसके अंदर गया हुआ है। अब जैसे कि 4th हाउस है, 4th हाउस के अंदर आपका स्कॉर्पियो साइन है, लेकिन उसके अंदर जो है कि आपका सैटर्न। अब 4th हाउस है जो आपके मदर का है, और सैटर्न जो है वो आपके कर्म का है यानी आपके प्रोफेशन का है, तो आप ये कह सकते हैं, और जो साइन है वहां पर स्कॉर्पियो वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी मदर की वजह से आपके प्रोफेशन में आने वाली है, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी मदर के प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ये जो उसका डिस्पोजिटर जो है कि आपका मंगल बताएगा। इसी प्रकार से जो है कि आप कारक को लें, जुपिटर है तो आपके हायर स्टडीज आ जाते हैं, आपके गुरु आ जाते हैं, उनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर 10th हाउस में है तो आपके जो है कि प्रोफेशन के अंदर आपके गुरु की वजह से जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन, या आपके हायर स्टडीज की वजह से जो है कि आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आप इस तरीके से जो है कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, जो बदलाव होता है, उसको आप जो है कि देख सकते हैं। 6th हाउस के अंदर है तो आपके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, या आपके मामा हैं, या आपके डेली रूटीन वर्क्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके मामा की वजह से, क्योंकि मामा वहां पर है, और जो कि डेली रूटीन वर्क्स का जो हमारा 6th हाउस है, या आपको आपके साथ कोई झगड़ा होता है उसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल जाती है। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, पास्ट में स्टोरीज भी सुनी होंगी गैंगस्टर्स की, कि वो IPS की तैयारी कर रहे हैं, उनके फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ, उसका झगड़ा हुआ, उनसे कोई गलत कार्य हो गया, और बाद में वो जो है कि उसी दुनिया में चले गए, उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। कहाँ वो IPS ऑफिसर बनना चाहते थे, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना चाहते थे, और कहाँ वो जो है उनको तोड़ने लग गए। तो ये सब जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जो है कि आपका स्कॉर्पियो साइन दर्शाता है। उसके अंदर प्लैनेट कारक तत्व उसको लीजिएगा राहु है, तो वो आपके जो है कि आउटर वर्ल्ड से मतलब आपके जाति से बाहर का व्यक्ति, आउटकास्ट स्टडीज को बोलते हैं, वो उसकी वजह से होगा। आपके दादाजी राहु जो है, दादा का कारक भी है, उसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कि ये कारक को ले सकते हैं। अब इसकी जगह पे आप हाउसेस को भी ले सकते हैं। अगर 4th लॉर्ड है तो आपकी मदर की वजह से, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कि 6th हाउस के अंदर आपके डेली रूटीन वर्क के अंदर जो है कि आपकी मदर की वजह से 4th लॉर्ड चला गया, तो मदर की वजह से जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन आना है आपके जो है कि डेली रूटीन वर्क के अंदर, क्योंकि वहां पर जो, या आपके हाउस के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना है, मदर की जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना है जो है आपके जो है कि 4th लॉर्ड जो है कि जो स्कॉर्पियो साइन के अंदर गया होगा। तो इस तरीके से आप हाउस लॉर्ड ले सकते हैं। जैसे कि अगर 11th लॉर्ड गया है तो आपके कोई सोशल सर्कल से या कोई फ्रेंड्स की वजह से जो है कि आपके जो है कि लाइफ के अंदर 360 चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं किसी भी हाउस लॉर्ड कारक, और जिस हाउस में वो पड़ता है, पहले मैंने हाउसेस का बताया जो कि ब्लैंक चार्ट के हिसाब से जहां पर वो पड़ता है वहां ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसके अंदर कारक कौन गया उसकी वजह से उस हाउस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर जो है कि वजह, अगर आपका मान लीजिए कि प्लैनेट जो है कारक है, एक किसी हाउस का लॉर्ड भी है, वो नेचुरली है कि मान लीजिए वीनस है वो 10th लॉर्ड है, लेकिन वो कारक जो है कि आपके जीवन साथी का है, तो उनको भी 10th लॉर्ड है, तो वो वहां प्रोफेशन में जो है कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन भी करानी है। इसके अलावा जो आप 8th हाउस के ऊपर भी ये सारे नियम जो है कि आपके लागू होंगे, क्योंकि 8th हाउस जो है वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। वो 8th हाउस जो है नेचुरल जो है इसका स्कॉर्पियो साइन ही बनता है वहां, तो वहां जो है कि 8th हाउस के अंदर जो स्कॉर्पियो के गुण हैं वो भी आपको 8th हाउस के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि 8th हाउस ही से ट्रांसफॉर्मेशन है।
उसी को जो है कि हमारे वैदिक के अंदर जो लाल किताब को अगर लेंगे तो 8th हाउस मीन्स स्कॉर्पियो, तो उसको लेना है। तो वहां पर भी अगर आपका कोई प्लैनेट आ जाता है तो वहां पर भी आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ के देख सकते हैं। मान लीजिए सैटर्न आपका जो है कि 8th हाउस के अंदर है, तो आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जब भी स्कॉर्पियो की अगर आप चर दशा के बारे में बात करें या कालचक्र दशा के बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो है कि जो हाउसेस की दशा होती है यानी साइन की दशा होती है, जैसे कि मेष की, वृष की, ऐसे वृश्चिक की जब दशा आएगी, या वहाँ और अगर जो है कि आप उसमें पड़े प्लैनेट्स की दशा आएगी, जैसे सैटर्न की दशा आती है, तो वहाँ पर जो है कि प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अब मान लीजिए किसी के दो प्लैनेट आ जाते हैं सैटर्न सैटर्न और वीनस स्कॉर्पियो साइन 8th हाउस, तो वो जो है कि स्कॉर्पियो साइन में या 8th हाउस के अंदर आपके सैटर्न और वीनस आ जाते हैं, यानी सैटर्न और वीनस प्रोफेशन और लेडी। तो वहां पर होना क्या है कि किसी लेडीज की वजह से वर्क प्लेस पे आपका बहुत बड़ा प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना है। आप इस तरीके से दोनों कारकों को जोड़ के आप वहां पर जो है कि प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन का लेना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर आपके आपकी जो है कि स्कॉर्पियो साइन है उसका आप सिंबल देखेंगे तो वो है बिच्छू, और बिच्छू क्या जो है कि वार करने का तरीका क्या है कि उसके जो डंक है वो उसकी पूंछ के अंदर है, तो वो बैक बाइटिंग जिसको बोलते हैं या पीछे से वार करना, वो भी जो है कि स्कॉर्पियो की निशानी है। क्योंकि स्कॉर्पियो जो है कि मार्स का दूसरा साइन है, जो मार्स था जो एरीज के अंदर था वो फ्रंट से लड़ता था, वो एट ए टाइम एग्रेशन में आके तुरंत लड़ाई करता था, लेकिन जो ये अपना जो ये अपना स्कॉर्पियो साइन है ये हमारा जो है कि छुपा हुआ मतलब हेडन साइन है, तो वहां पर जो गुस्से को छुपा के रखता है जो आपका स्कॉर्पियो है। मान लीजिए कि आप तो उनको कुछ गुस्सा है और वो उसको छुपा के रखेंगे, लेकिन वक्त आने पे आपके पीछे से वो वार कर सकते हैं, ये है। और इसके अंदर अगर कोई प्लैनेट चला जाता, मान लीजिए कि आपके स्कॉर्पियो साइन के अंदर जैसे कि आपका सैटर्न चला गया, तो आपके जो है कि कह सकते हैं कि जो सर्वेंट हैं आपके जो नीचे कार्य करने वाले हैं वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिष करते हैं, इस तरीके से षड्यंत्र करते हैं। इसमें अगर 9th लॉर्ड चला जाए या सूर्य गया हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके फादर जो है कि आपका आपका नुकसान करेंगे, आपके पीछे से वार करेंगे। हो सकता है वो प्रॉपर्टी को लेके आपके साथ कोई दुआ करें या किसी और चीज़ को लेके कि वो एक किसी आपके ब्लड रिलेशन में जो ब्रदर हैं उनको या फैमिली मेम्बर को किसी को सपोर्ट करें और आपका आपको नुकसान पहुंचाएं। अगर वहां पर जो है कि आपका 4th लॉर्ड है या चंद्रमा है, तो आपकी मदर ये कार्य कर सकती हैं, या होमलैंड के जो व्यक्ति होंगे वो आपको जो है कि बैकबाइटिंग करेंगे, वो आपके पीठ पीछे वार करने की कोशिश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 11th लॉर्ड अगर वहां पर है तो आप कह सकते हैं, या राहु है तो आपके मित्र, क्योंकि 11th लॉर्ड वैसे हमारा राहु जो है कि आपके वो मित्र कह सकते हैं जो आपके जाति से बाहर के हैं। और अगर बुध है तो आपके जो सगे जो बहुत ही क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, जो कि कहते हैं कि अपना टीनेज से आपके फ्रेंड चले आ रहे हैं, वही जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, वही आपके साथ जो है कि पीछे से वार करे और शत्रुता निभाए, इस तरीके के कैरेक्टर उनके अंदर देखे जा सकते हैं जो भी प्लैनेट इसके अंदर गया है। अगर आपका गुरु गया हुआ है तो जो है कि आपके गुरु या आपकी हायर जो स्टडी है वही आपके लिए नुकसानदायक होगी, वही बैकबाइटिंग करेगी। मींस अगर आपको आपने हायर स्टडी कर रखी है बहुत ज़्यादा, तो वो आपका ज्ञान ही आपको नीचा दिखाएगा वहाँ पर, क्योंकि आप जो जहाँ पर आपको नहीं बोलना है या नहीं अपना ज्ञान ज़्यादा नहीं दिखाना अपने हायर लेवल के बंदों के सामने, वहाँ जरूर तो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती है। क्योंकि वहां पर जो है कि कोई भी सिग्निफिकेटर गया है वो जो है कि पीछे से वार होगा वहां पर, ये चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है। इसलिए राहु जब स्कॉर्पियो के अंदर होता, मान लीजिए 3rd हाउस राहु स्कॉर्पियो के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति जो है कि अपनी पहचान छुपाते हुए नेट बैंकिंग के थ्रू या जो आजकल फ्रॉड होते हैं
नेट बैंकिंग के अंदर कि आपका कोडिंग वगैरह क्लोनिंग कर लिया कार्ड का, या आपके आपको फोन किया किसी तरीके से, आपकी जानकारी ली और आपका बैंक खाली हो गया, वो इस प्रकार का, या मार्केटिंग में कोई ऐसा बंदा आया, वो आपके पास आया और आपके साथ फ्रॉड कर गया। क्योंकि राहु जो है कि वो अब थर्ड हाउस के अंदर है, मार्केटिंग का है, थर्ड हाउस अपना कम्युनिकेशन का है, और जो है कि राहु वहां पर है, वो चीटिंग करना ही करना है उसने, और वो आपके से अनजान है व्यक्ति है, जो आप वो आपसे चीटिंग कर जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू या आपके नेटवर्किंग के थ्रू, तो वो भी जो है कि आपको जो है स्कॉर्पियो साइन बताएगा। तो इसलिए स्कॉर्पियो साइन जहां पर भी है वहां प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, ये आप समझ के देखिए। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप अपना श्री रामचंद्र जी की कुंडली देख सकते हैं, श्री रामचंद्र जी की कुंडली के अंदर जो है कि स्कॉर्पियो साइन जो है कि फिफ्थ हाउस के अंदर। और एक सबसे बड़ी बात, स्कॉर्पियो साइन जहां पर होता है वो चीज हिडन रखता है बंदा। जैसे अगर फिफ्थ हाउस में है तो, जैसे रामचंद्र जी के फिफ्थ हाउस के अंदर स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो साइन है, तो उनको अपने बच्चों के बारे में ही नहीं मालूम था, उनको नहीं मालूम होने की वजह से उन्हीं से ही जो है कि झगड़ा करना पड़ गया। तो ये जो है कि हिडन रहे, उनके बच्चों की जो पहचान थी वो हिडन रहे। तो आज के संदर्भ में देखेंगे तो कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में बात करना या अपनी शिक्षा के बारे में बताना जरूरी नहीं समझते, उसको हिडन रखते हैं। वो भी आप इस चीज को देख सकते हैं, किसी के अगर फोर्थ हाउस में है तो वो अपने घर का पता जल्दी से नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा प्रॉपर, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आसपास का नाम ले देंगे, लेकिन प्रॉपर जो आप उनका एड्रेस है वो आपको नहीं देंगे, जिनका जो है कि फोर्थ हाउस के अंदर जो है स्कॉर्पियो है। और फोर्थ हाउस स्कॉर्पियो किसका है, जिसका जो कि सिंह लगा, और फोर्थ हाउस उनका स्कॉर्पियो है, तो वो जल्दी से उनके बारे में नहीं बताएंगे, अपने लॉसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्योंकि जो एट्थ हाउस है के अंदर उनका जो है कि पाइसिस साइन आ गया, या अपनी इन्वेस्टमेंट के जहाँ कर रहा हूँ उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो ये जो स्कॉर्पियो साइन की जो ये क्वालिटीज हैं, आज मैंने दो क्वालिटीज के या तीन क्वालिटीज के बारे में बात किया है, इसको आप कहीं पर भी लगाएंगे तो आपको ये सत्य मिलेगा। क्योंकि अब एट्थ लॉर्ड भी अगर कहीं चला जाता है, मैं एक और थोड़ा और इसको आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे कि डिस्पोजिशन के रूप में, कि एट्थ हाउस के अंदर जैसे रामचंद्र जी की मैं बात कर रहा था, तो एट्थ हाउस के अंदर जो है उनका जो है कि एक्वेरियस साइन है, तो उनके जो कोर लॉर्ड बने वो जो शनि और राहु कोर लॉर्ड है उनके, एक उसके। अब शनि को लें तो शनि जो उनके फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ, तो उनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम फोर्थ हाउस से शुरू हुई और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया क्यों वहां पर, क्योंकि जो फोर्थ हाउस था वो जो है माता जी का हाउस है, तो उनकी जो मदर थी, कह सकते हैं सौतेली माँ जो की जो केकई थी, उन्होंने जो वर मांगा, जहां उनका राज तिलक होने वाला था वो एकदम 360 चेंज होकर वनवास मिल गया मदर की वजह से। क्योंकि जो है कि एट्थ लॉर्ड वहां पहुंचा हुआ, तो वो जो एट्थ लॉर्ड है वो डिस्पोजिटर है, वो भी ये काम कर रहा है। सोचने वाली बात है ये, कि जो मतलब आप जो सोच नहीं सकते कि मतलब कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि तो केकई जो है माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, उनको अपने मतलब सगे बेटे से ज्यादा प्यार देती थी, दुलार देती थी, लेकिन जो है कि अचानक से ऐसी सिचुएशन आई और उन्होंने जो है कि उसी बेटे को वनवास दिला दिया अपने सगे बेटे की वजह से। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो एट्थ लॉर्ड जो वहां पहुंचा उसकी वजह से हुआ। तो इस वजह से जो आपका जहां पर स्कॉर्पियो साइन है, एट्थ हाउस के अंदर जो प्लैनेट गया हुआ है, और जो एट्थ लॉर्ड जहां पर गया हुआ है, वहां जो है कि आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है कि आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। तो इसके आगे जो है कि मैं और एक बार एक और वीडियो जो स्कॉर्पियो के बारे में लेके आऊंगा, जो इसमें डिटेल्स जो है कि रेमेडीज वगैरह बताई जाए बताऊंगा, और लाल किताब के थ्रू जो बताया गया है एट्थ हाउस के बारे में, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। क्योंकि एट्थ हाउस की चीजें बहुत सारी बाकी रह जाती हैं, जैसे कि एट्थ हाउस हमारे जो है कि मरने के बाद की क्रिया जो होती हैं, वो रिचुअल्स होते हैं जो हमारे फाइनल, वो भी हैं जो इस हाउस के अंदर देखे जाते हैं, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या सॉल्व हो सकती हैं उसको पूरे करने से या उस कार्य को पूरा करने से, तो वो भी चर्चा करेंगे। तब तक के आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।